डियर स्टूडेंट्स, आज फिर आपका यहां पर स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए काल के बारे में लेके आया, काल टॉपिक पर, इसके विषय पर हम अध्ययन करेंगे। ओके, एक काल है, क्या काल? काल का मतलब क्या होता है? समय। एक्चुअली इसे काल का मतलब हिंदी में समय होता है, एक्चुअली उसको इंग्लिश में टाइम बोलते हैं। ओके, परिभाषा, काल की परिभाषा क्या रही है? देखो, आज आप लोग जो मैं लाया हूं काल, वो जो मैं आपको इतने इजी तरीके से बताऊंगा कि वापस आपको काल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे से आप लोगों दिमाग में आ जाएगा। ओके, परिभाषा, जिससे हमें समय का बोध अथवा ज्ञान प्राप्त होता है या प्राप्त करा, उसे हम काल कहते हैं। देखो, जिससे हमें समय का बोध, मतलब कोई भी चीज का टाइम बताएगा, उसके बारे में जानकारी देगा या सूचित करेगा हमें, उसे हम काल कहते हैं। ओके, आपने तो परिभाषा याद करने का, मैं बहुत सिंपल और अच्छे तरीके में लेके आया हूं। जिससे हमें समय का बोध अथवा ज्ञान प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। देखो, काल, काल आते ही आपके दिमाग के अंदर और आपको यह अनुभव होता रहेगा, इसके भेद भी जानना चाहिए, मतलब भेद क्या होते होंगे, इसलिए आप लोग के लिए भेद, इसके इसके तीन प्रकार होते हैं। पहला वर्तमान काल, और भूतकाल, और भविष्य काल। वर्तमान काल, देखो सबसे बड़ी चीज क्या होती है? बड़ा, अब कैसे जानोगे इसको, कैसे मालूम करोगे कि ये वर्तमान काल है? जो चल रहा है उसे हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल। जो भूतकाल, जो बीत चुका है उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल। भविष्य काल, जो अभी होने वाला है या होगा, जो अभी होने वाला है या होगा, उसे हम क्या कहते हैं? भविष्य काल। ये आप लोग को बहुत अच्छे तरीके दिमाग में रह सकता है, इसलिए मैंने इस चीज को आपको पैकेट के अंदर लिख के दिखा दिया हो। वर्तमान काल मतलब होता है जो चल रहा है। इसे एग्जाम्पल में उदाहरण आप लोग को बता दूं, वह खाना खाता है, वह पढ़ाई कर रहा है, वह मुंबई जा रहा है, वह विद्यालय जा रहा है, वह खाना खा रहा है, आप पुस्तक पढ़ रहे हो, आप खाना पका रहे हो, एक्चुअली वो सब क्या वर्तमान काल, क्योंकि सब काम हो रहा है ना, प्रेजेंट टाइमिंग है। प्रेजेंट टाइमिंग को एक्चुअली हम क्या संबोधित करते हैं? वर्तमान काल। एक्चुअली आप कह सकते हो जो चल रहा है, जो हम कर रहे हैं, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल, भूतकाल मतलब जो बीत चुका है, जो पास हो जाता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण आप लोग को बता देता हूं, वह खाना खा चुका था, वह खाना खा चुका था, क्योंकि खाना खा चुका है तो आपका वर्तमान काल हो जाएगा। वह खाना खा चुका था, वह पानी पिया था, वह विद्यालय गया था, वह मुंबई गई थी, वह खाना खाई थी, सर जी या टीचर जी ने हमें पढ़ाए थे, वो आपका क्या हो जाएगा? भूतकाल। जो बीत चुका है, सब पढ़ा चुके हैं, सर पढ़ा चुके थे, खाना खिलाए थे या पढ़ा दिए थे, अब विद्यालय गए थे, जो बीत चुका है, जो मतलब पीछे बीतु हो के बारे में जानकारी दे या सूचित करें बताए, उसे आप भूतकाल कहोगे। क्या कहेंगे? भूतकाल। देखो, भविष्य काल, भविष्य काल मतलब जो अभी होने वाला है या होगा, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। देखो, होने वाला आपको दिमाग में आ जाता है क्या? एक्चुअली फ्यूचर, आगे क्या होने वाला है। इसे मैं नहीं पढ़ूंगा तो पेपर में फेल हो जाऊंगा, नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे ना। ओके, कल मैं मुंबई जाने वाला हूं, वह कल आगरा जाएगा, मतलब फिक्स नहीं है बच्चों। देखो, वह आगरा जाएगा, जाएगा कब जाएगा कुछ फिक्स नहीं है, रहा तो है नहीं, लेकिन जाएगा फिर क्यों बताते, कल हो भी सकता जाएगा, अभी नहीं भी जाएगा, मेंशन भी हो सकते हैं ना। क्यों ऐसा? भविष्य काल में एक्चुअली जो आपको फ्यूचर के बारे में पता है, उसे आपका क्या हो गया? भविष्य काल। वह मुंबई जाएगा, मैं खाना पकाऊंगा, मैं कल याद करके दूंगा, जो मतलब कल याद करके दूंगा, पता नहीं याद करके देगा कि नहीं देगा। अच्छी वैसा जो आपको मतलब फ्यूचर के बारे में पता है, आने वाले के बारे में पता है, जो कल क्या होने वाला है कि उसके बारे में कोई संबोधित सूचना दे, उसे आप भविष्य काल कहोगे। ओके, काल मैं पहले आप लोगों को बता के दिया हूं। काल उसके प्रकार, काल के प्रकार कितने थे वापस एक बार में बोलता हूं। काल तीन प्रकार थे, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, बराबर, वीडियो जो मैंने आप लोगों को बता के दिया था। और काल, अब काल के तीन प्रकार, कितने प्रकार है? तीन, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ओके, एक्चुअली इसका मतलब मैं प्रीवियस वीडियो आप लोगों को बता के दिया हूं। वर्तमान काल के कितने? चार बेटे। कितने बेटे? चार। वर्तमान काल के चार बेटे, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्व वर्तमान काल और पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल।
पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ओके, वर्तमान काल के चार बेटे हैं, अच्छी उसकी तरह ही तो भूतकाल के पास चार बेटे रहेंगे, भविष्य काल के पास भी चार बेटे रहेंगे। इन सब लोगों में मेन कौन रहेगा, इनके दादाजी, मतलब काल इनके दादाजी है। ओके, आप लोगों को याद करने ट्रिक बता के दे रहा हूं, ऐसा आप लोगों को याद रहेगा। हाँ, भूतकाल के चार बेटे हैं, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। ओके, भूतकाल के चार प्रकार, सामान्य भूतकाल हो गया, अपूर्ण भूतकाल हो गए, पूर्ण भूतकाल हो गए, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। ओके, सेम उसके तरह भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल, पूर्ण भविष्यकाल, पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल। देखो ये सब इसके कितने चार चार प्रकार है, मीन्स सबके चार चार बेटे हो जाते हैं। ओके, मान लो काल के दादाजी है, दादाजी के तीन बेटे हैं, वर्तमान है, भूत है, भविष्य के। वर्तमान के चार बेटे, भूत के चार बेटे, भविष्य के भी चार बेटे। देखो आप लोग को याद करें ट्रिक बता रहा हूं मैं भी, सब देखो सामान्य अपूर्ण पूर्ण पूर्ण अपूर्ण सब मिला है बराबर, जहां वर्तमान है समय वर्तमान का, वर्तमान का लिखते जाने का। भूतकाल में क्या रहेगा आप लोग को, समय समान हो गया, भूतकाल अपूर्ण पूर्ण पूर्ण अपूर्ण, इसके बाद समय भूतकाल जो रहेगा वो एड कर दिया जाने का। भविष्यकाल में क्यों ऐसा हो गया, समान भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल, पूर्ण भविष्यकाल, पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल, मतलब आपको बस एक का अच्छे से याद रखने का, सब आपको याद हो जाएगा। मतलब काल हो गए इसके तीन प्रकार बराबर, सबके चार चार प्रकार, मीन्स पूरे 12 भेद हो गए, 12। ओके, पूरा काल के कितने 12 भेद हो गए, क्योंकि जिस प्रकार काल के तीन प्रकार सबके पास, मतलब वर्तमान काल के चार प्रकार हो गए, भूतकाल के चार प्रकार हो गए, भविष्यकाल के चार प्रकार हो गए। ऐसे एक्चुअली आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो में बता के दिया, वर्तमान काल मतलब क्या, जो चीज चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, भूतकाल जो चीज बीत चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं, भविष्यकाल जो आने वाला है जो होगा उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। ओके, बस आप लोगों को यही चीज दिमाग रखने का, समान अपूर्ण पूर्ण पूर्ण अपूर्ण। एक्चुअली ये चीज अगर आपको याद हो गया तो आप सब ये कर सकते हो, बहुत इजी है। ओके, समान अपूर्ण पूर्ण पूर्ण अपूर्ण। ओके, देखो और हिंदी जो हिंदी ग्रामर व्याकरण के अंदर अब देखो इसमें तीन ही यूज होता है, वन इज वन टू थ्री, तीन ही मतलब समान वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, एक्चुअली तीन का ही यूज होता है, एक्चुअली इसके अंदर फिर तीन का ही यूज होगा। ओके, लेकिन बट भविष्य काल में एक्चुअली दो का यूज होता है, लाइक बाय चांस थर्ड वाला यूज होता है, नहीं यूज नहीं होता है, एक्चुअली भविष्य काल में बस दो का यूज होता है। ओके ओके, अब लोग देखो वर्तमान काल है क्या, अभी मैं आप लोग को क्या बताऊ वर्तमान काल की परिभाषा क्या बता रहा हूं, वर्तमान काल की परिभाषा, वर्तमान काल आप लोगों को पता है जो चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। ओके, तो इसमें फर्स्ट वाला टॉपिक क्या है आपका, सामान्य वर्तमान काल। देखो आप लोग इजी तरीके से बताता हूं, सामान्य वर्तमान काल जिस वाक्य के अंत में, वाक्य अंत में मतलब किसी वाक्य लास्ट में, ओके, जिस वाक्य में ता है, ती है, ते है, ता हूं आता है, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। देखो आप लोगों को बस ध्यान क्या रखने का है, देखो मैं इधर ब्रैकेट लिख देता हूं, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ये आप लोगों को दिमाग में रखने का है, ता ती ते, ता है, ती है, ते है, ता हूं आता है, उसे समान वर्तमान करते हैं। बस आप लोग को ये चार चीज ध्यान में रखो, समान वर्तमान कर आपको समझ में आ जाएगा, क्या ता है, ती है, ते है, ता हूं, ये चीज मैं आपको समझने के लिखा हूं, जिस वाक्य के अंत में, अंत में देखो वाक्य अंत में इधर आओ, देखो इधर ता है आ रहा ना ये, और जामा चेहरा आप देख सकते हो अपूर्ण वर्तमान काल, जिस वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आता है, उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। आप लोगों को बस याद क्या रखने का है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही है, रहे हैं, रहा हूं आता है,
मतलब आप लोग को याद याद रखोगे, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हुआ है उसे हम अपूर्व वर्तमान काल कहते हैं। इसके उदाहरण क्या है, वह खाना खा रहा है, देखो रहा है आ गया, वह खाना खा रहा है, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, वह दिल्ली में 5 साल से रह रहा है या रह रही है, वह दिल्ली में 5 साल से रह रही है। देखो आप लोगों को बस यही ध्यान रखने का है कि जो मैंने ट्रिक बता के दे रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये चीज आपको अगर किधर भी दिखे तो आप आइडेंटिफाई को मतलब पहचान सकते हो आपका अपूर्व वर्तमान काल रहेगा। ओके, एग्जाम्पल में वह मुंबई में 10 साल से रह रहा है, मैं खाना पका रहा हूं, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अच्छी वैसा आप बना भी सकते हो कुछ, हाँ सेंटेंस वाक्य आपके लिए इजी भी पड़ सकता है। बस आप लोग को जो मैंने बोला है बस वही आप ध्यान में रखोगे। अभी आप लोग क्या लिखोगे, पूर्व वर्तमान काल, इसमें हम क्या लिखेंगे, थर्ड वाला, थर्ड पार्ट पूर्व वर्तमान काल, इसमें क्या रहेगा, जिस वाक्य में या ये ई और ई ऐसा, और एक्चुअली ऐसा भी आएगा तभी चलेगा, ये भी आएगा तभी चलेगा, लेकिन हाई लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, देखो आप लोग को मैं बता के दे रहा हूं कैसे रखोगे, जिस वाक्य में गया है, गई है, या ये ई, या ये ई ई ई, अथवा चुका है, चुकी है, चुकी है, अथवा चुका हूं आता है, उसे हम पूर्व वर्तमान काल कहते हैं। देखो आप लोग यह ध्यान रखना, जब पूर्व वर्तमान काल रहेगा आपका, तो गया, गई, खाए, पिलाए, रुलाए, हंसाए, और चुका है, चुकी है आएगा, हाय लगा रहेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, पूर्व वर्तमान काल। तरीका बता दूं क्या कैसे याद रखने का, ऑलरेडी मैं इधर लिख दिया आपको और अंडरलाइन भी कर दिया, ये चीज आप बस ध्यान रखिएगा। उदाहरण, वह खाना खाया है, देखो लास्ट में क्या या आया, और पढ़ाई कर चुका है, चुका है, चुका, क्योंकि वो पढ़ाई कर चुका है ना। उदाहरण, वह खाना खाया है, वह खाना खाया है, बता सकते हो कि वर्तमान काल है, वह खाना खाया है, या वह अभी खाना खाया है, तो ऐसे मालूम पड़ा ना कि अभी खाया है, एक्चुअली ये वर्तमान काल में संबोधित हो रहा है। मैं मुंबई में पढ़ाई कर चुका हूं, अब पढ़ाई कहां कर चुके हो, मुंबई में, तो फिक्स मतलब निश्चित समय हो जाता है आपका कि आप मुंबई पढ़ाई कर चुके हो, या पढ़ाई मैं मुंबई में पढ़ाई कर चुका हूं, तो आपको फिक्स है, इसलिए समय रख दो क्योंकि वो चल रहा है, वे पढ़ाने गए हैं, कहां गए हो, वे पढ़ाने गए हैं, तो आपको इसे क्या मालूम पड़ता है कि वे पढ़ाने गए हैं, तो वर्तमान काल है ना, कि पढ़ाने गए हैं, ऐसा नहीं पढ़ा चुके हैं या पढ़ाने वाले हैं, जो पढ़ाने गए हैं, इसलिए आप कह सकते हो या पूर्व वर्तमान काल हो जाएगा। ओके, वह खाना बना चुकी है, वह खाना बना चुकी है, तो आप प्रेजेंट टाइम में मतलब वर्तमान काल में कैसे बताओगे, वह खाना बना चुकी, आप बोल सकते हो वह खाना बना चुकी है, चुकी थी नहीं, मैं खाना बना चुकी, ऐसा नहीं, मैं खाना बना चुकी है, तो अभी खाना बना चुकी है, एक्चुअली ऐसा, इसलिए आपको पूर्व वर्तमान काल में रहे, क्योंकि इससे आपको क्या संबोधित हो रहा है, एक्चुअली इसमें यह संबोधित हो रहा है कि खाना बना चुकी है। ओके, तो वर्तमान काल बता रहा है, कौन सा वर्तमान काल, पूर्व वर्तमान काल, देखो रिपीट में एक्सप्लेन कर देता आप लोगों को, जो समय वर्तमान काल था उसके अंदर जिस वाक्य में ता है, ती है, ते है, ता हूं आता है, उसे हम समान वर्तमान काल कहते हैं। क्या उदाहरण, वह खाना खाता है, वह विद्यालय जाता है, वह पढ़ाई करती है, वह खाना बनाती है, एक्चुअली ऐसा। ओके, दूसरा अपना टॉपिक क्या था, अपूर्ण वर्तमान काल, एक्चुअली अपूर्ण वर्तमान काल में क्या रहता है, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आता है, उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण में, वह खाना खा रही है, वह पढ़ा रहे हैं, वह पढ़ा रहा है, वह विद्यालय जा रही है, वह पढ़ रहे हैं, वे मोबाइल चला रहे हैं, वह मोबाइल चला रहा है, वह टीवी देख रहे हैं, जो रहा रही लास्ट में संबोधित हुए, मतलब किसी वाक्य के अंत में उसे आप क्या कहोगे, अपूर्व वर्तमान काल। और पूर्व वर्तमान काल में एक्चुअली आपके ब्लैकबोर्ड पे दिया हुआ है, जिस वाक्य के अंत में या ये ई और छोटी बड़ी की मात्रा अथवा चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं आता है, उसे हम पूर्व वर्तमान काल कहते हैं।
उदाहरण में आप लोगों को बता के दिया, वो खाना खाया है, आपको लास्ट वाक्य क्या दिया, मतलब लास्ट में आपको जो दिखी या है, कर चुका है, गए हैं, ये चुकी है, इससे एक्चुअली आपको क्या पता चलता है, यह पूर्व वर्तमान काल, क्योंकि समय है लगाएगा। आप लोग ये ध्यान रखोगे वर्तमान काल में समय है लगा रहेगा। ओके, tell me why.